हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये विद्यार्थियों, कृषि रसायन की लेसन नंबर एक में अपन डिस्कस कर रहे थे आज की क्लास में रासायनिक संयोग के नियम। पिछली क्लास में अपन ने जो मानक अंतरराष्ट्रीय इकाइयां है उनके मध्य अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। सबसे पहले तो बात करेंगे अपन की रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसकी बात कर रहा हूं मैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 19वीं शताब्दी के अंत में, जब रासायनिक अभिक्रियाओं को वैज्ञानिकों ने खोजा तो उनमें बहुत सारे नियम प्रयुक्त हुए। तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोग में या उनको पूर्ण होने में, राइट, रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में या संयोग में जो नियम प्रयुक्त किए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। या जिन नियमों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होती है उनको क्या कहते हैं अपन, रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। ये अपने पास में टोटल 5 नियम है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। टोटल कितने नियम है, 5 नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, लेओजियर ने। किसने दिया था, लेओजियर ने, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। चौथा है अपने पास में तुल्य अनुपात का नियम, ये दिया था वॉन रिचर ने। और पांचवा है गैसीय आयतनों का नियम, ये गैसों पे लागू होता है, इसने दिया था गेलुसाक ने। इसने दिया था बेटा, गेलुसाक ने। अब अपन पहला नियम बात करेंगे अपन, कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए बेटा, ये किसने किया था, लेओजियर ने। किसने दिया था, ये लेओजियर ने। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अपन द्रव्य काम में लेते हैं, यौगिक काम में लेते हैं, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या कहलाता है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था बेटा, लेओजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेओजियर ने। फिर इसका प्रायोगिक सत्यापन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रायोगिक सत्यापन जो किया था वो किसने किया था, लानडोल्ट। किसने किया था, लानडोल्ट। इसके द्वारा किया था, एक नली ली थी, उस नली का नाम भी इसी के नाम पे था, लानडोल्ट नली। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, इस नियम का सत्यापन, जो आपका द्रव्य है न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। यह कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। स्टेटमेंट किसने दिया, लेओजियर। इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, लानडोल्ट ने। इसके द्वारा, लानडोल्ट नलिका के द्वारा। कैसे किया, तो नलिका की अपन यहां पर चित्र बनाते हैं। देखिए बेटा, ये अपने पास में लानडोल्ट क्या है, नली है।
इसमें अपने पास में क्या वर रखा है, एक तरफ है NaCl और एक तरफ वर रखा है अपने क्या AgNO3, क्या वर रखा है AgNO3। तो इस नलिका के साथ सहायता से लांडोल्ट ने क्या सिद्ध किया कि अभिक्रिया से पहले जिन यौगिकों को अपन अभिक्रिया करवा रहे उनका द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो द्रव्यमान में न तो कमी आई न वृद्धि हुई, द्रव्यमान क्या रहा नियत, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए बेटा NaCl क्या बोलते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड। AgNO3 क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। दोनों को अपन ने इसमें रखा, आपस में क्रिया की, क्या बन गया NaNO3, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट। और साथ में बनेगा आपके पास में AgCl का श्वेत अवक्षेप। क्या बनेगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप, इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। तो ये दोनों क्या है अपने पास में, अभिकारक। क्या है बेटा, अभिकारक। और ये दोनों क्या है अपने पास में, उत्पाद। तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। क्या है बेटा, बराबर है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर। इसके अलावा अन्य उदाहरण है अपने पास में, इसको बोलते हैं लेड एसीटेट। क्या बोलते हैं, लेड एसीटेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फाइड। इससे क्या बना, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप। क्या बना, लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप। और साथ में बना आपका सोडियम एसीटेट। क्या बना, सोडियम एसीटेट। इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। फिर लिया अपन ने सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा क्या लिया, पोटेशियम क्रोमेट। क्या लिया बेटा, पोटेशियम क्रोमेट। इससे क्या बना, सिल्वर क्रोमेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन दोनों का द्रव्यमान भी क्या है, बराबर है। अब एक अपन ने लिया उदाहरण, हाइड्रोजन गैस को किस क्रिया करवाई, O2 गैस से। इसकी कितने ग्राम लिए, 4 ग्राम। इसे कितने ग्राम लिए, 32 ग्राम। तो अपने पास में दो अणु किसके बने, जल के, कितना होता है 36 ग्राम। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 36 ग्राम। इसका मतलब क्या है, द्रव्य क्या है अपने पास में, अविनाशी है। तो इन अभिक्रियाओं से अपन किसको पुष्टि कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये था अपना रासायनिक संयोग के नियम का पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसका स्टेटमेंट कथन जो दिया है उसने दिया है लेवोजियर ने। लेवोजियर कौन था, रसायन विज्ञान का पितामह। और इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, लांडोल्ट ने। इसकी सहायता से, लांडोल्ट नलिका की सहायता से, अभिक्रिया कौन सी थी, NaCl और AgNO3 की अभिक्रिया, इसमें NaNO3 और AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि यह नियम आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।